Hey, what's up guys? Welcome to my YouTube channel. तो guys, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा शाहजहांपुर यूपी के कुछ फेमस प्लेस, जैसे कि केरोगंज चौराहा हो गया, पुतुलाल चौराहा हो गया, पक्का पुल हो गया, लता अल्ट्रासाउंड सेंटर ETC. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर देना। तो फिर चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो गाइस, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी जिस रोड पे मैं चल रहा हूं, ये रोड सीधा केरोगंज चौराहे पर जाकर निकलेगा। और गाइस, आसपास ये जितना भी एरिया आप देख रहे हो, ये सारा एरिया रोशनगंज लगता है, यानी इस एरिया को रोशनगंज के नाम से जाना जाता है। तो गाइस, आप इसे देख सकते हो और कमेंट में बता सकते हो कि ये एरिया आपको कैसा लगा। और गाइस, आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि इस रोड के ज़रिए आप शाहजहांपुर यूपी के ज़िला अस्पताल भी जा सकते हो। गाइस, ये सीधा रोड आपको ज़िला अस्पताल ले जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाएगा, तो आप इसके ज़रिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी जा सकते हो। और गाइस, यही रोड आपको दिल्ली बरेली लखनऊ भी ले जाएगा, क्योंकि यही सीधा रोड दिल्ली बरेली लखनऊ को भी जाता है। और गाइस, अगर आप इस रोड के पीछे चलोगे तो आपको कई सारे एरिया देखने को मिलेंगे। सो गाइस, अभी तो मैं फ़िलहाल आगे चल रहा हूँ क्योंकि मुझे केरोगंज चौराहे जाना है। अगर आप इस रोड के पीछे चलोगे तो आपको कई सारे एरिया देखने को मिलेंगे, जैसे कि एंटा चौराहा हो गया, चमकनी हो गई, इस्लामी इंटर कॉलेज हो गया, बहादुरगंज हो गया, और साथ ही साथ आपको शाहजहांपुर यूपी का जेल भी देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत सारे कैदी भी बंद हैं। तो गाइस, फाइनली हम लोग केरोगंज चौराहे पर पहुंच चुके हैं, तो चलिए आपको मैं यहां के बारे में दिखाता हूं। तो गाइस, ये जो आप देख रहे हो, ये है शाहजहांपुर यूपी का सबसे फेमस केरोगंज चौराहा। इस एरिया को केरोगंज चौराहे के नाम से जाना जाता है। और गाइस, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी बहुत सारा होलसेल का सामान भी मिलता है। जितने भी यहाँ के दुकानदार हो गए, शॉपकीपर हो गए, वो सारा होलसेल का सामान यहीं से आकर खरीदते हैं। और गाइस, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर अभी कौन कौन सा होलसेल का सामान मिलता है। होलसेल मतलब थोक का सामान, ठीक है? तो होलसेल में यहाँ पर भी सामान मिलता है, जैसे कि अनाज हो गया, दाल चावल, कई सारे मसाले, और दुकानदारों के पास जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी जो परचून की दुकान पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी यहाँ पे मिलती हैं। बाकी खाने के लिए अनाज, दाल चावल, कई सारे मसाले, मेवे, और आप गाइस खुद देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या अभी बिक रहा है, तो आप इस बात से खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर अभी क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो गाइस, आई होप कि आपको ये एरिया काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इस एरिया से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। और गाइस, इस एरिया के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है, तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर ठोक देना। तो चलिए गाइस, मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे यहाँ पर अभी कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। और गाइस, अभी इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। और गाइस, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस एरिया को दो नामों से जाना जाता है। तो गाइस, इसका पहला नाम तो केरोगंज चौराहे ही था, लेकिन अब इसका नाम केरोगंज चौराहे से बदलकर अग्रसेन चौक रख दिया गया है। लेकिन गाइस, अभी भी ये केरोगंज चौराहे के नाम से ही जाना जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको ले चलता हूँ शाहजहांपुर यूपी के पक्के पुल को देखने। तो गाइस, आपके दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर होगा कि इस एरिया को पक्के पुल के नाम से क्यों जाना जाता है। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे पक्के पुल तो सभी होते हैं, कच्चे कोई पुल नहीं होते हैं। लेकिन गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है कि इस एरिया को पक्का पुल क्यों कहा जाता है। लेकिन गाइस, इस एरिया को मैं आपको बता दूँ कि पक्के पुल के नाम से ही जाना जाता है, यानी ये एरिया पक्के पुल के नाम से ही फेमस है।
गाइस फाइनली हम लोग पक्के पुल पे पहुंच चुके हैं। और गाइस ये जितना भी एरिया आप देख रहे हो ये सभी पक्के पुल के नाम से जाना जाता है, यानी ये जितना भी एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सभी पक्का पुल कहलाता है। और गाइस ये सभी पक्के पुल के एरिया में ही आते हैं। तो गाइस आप यहाँ का व्यू देख सकते हो और मुझे बता सकते हो कि आपको ये एरिया कैसा लगा। और गाइस आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है जिसमें मैं साइंस एक्सपेरिमेंट करता हूं, न्यू न्यू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाता हूं, न्यू न्यू टिप्स ट्रिक्स बताता हूं, लाइफ हैक्स बताता हूं। अगर आपने अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ढूंढने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे यूट्यूब में डायरेक्ट जाके सर्च भी कर सकते हो। तो मेरे चैनल का नाम है साइंटिस्ट मुजीब। जैसे आप यूट्यूब में जाके सर्च करोगे साइंटिस्ट मुजीब तो सबसे पहले नंबर पे आपको मेरा ही चैनल दिखाई देगा। तो अगर आप उसे सब्सक्राइब करना चाहते हो जाकर सब्सक्राइब कर लो। और गाइस ये जितना भी एरिया आप देख रहे हो ये सभी दलेलगंज लगता है, यानी ये जितना भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये सब दलेलगंज के नाम से जाना जाता है। इस एरिए को दलेलगंज कहा जाता है। और गाइस इसके आगे ही पुतुलाल चौराहा है। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि पुतुलाल चौराहा कैसा है। और गाइस मैं आपको वहीं भी अभी ले चल रहा हूँ, पुतुलाल चौराहे के पास। और गाइस ये जो आप देख रहे हो यही है शाहजहांपुर यूपी का पुतुलाल चौराहा। तो गाइस आप इसे देख सकते हो और कमेंट में बता सकते हो कि ये एरिया आपको कैसा लगा। और गाइस यहाँ पर आप कभी आए हो या फिर नहीं आए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी दिखाने के लिए कुछ खास तो नहीं है, बस ये चौराहा है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हो, अदरवाइज वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो चलिए गाइस अब मैं आपको ले चलता हूँ लता अल्ट्रासाउंड सेंटर को देखने। और गाइस साथ ही साथ मैं आपको यहाँ की एक चीज़ और भी दिखाऊंगा, यहाँ रेती मोहल्ले में एक बहुत बड़ी टंकी भी बनाई जा रही है जिसके ज़रिए यहाँ कई सारे एरियों में पानी भी दिया जाएगा। तो चलिए गाइस फिर चलकर देखते हैं। और गाइस फाइनली हम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं जिसकी बात अभी मैं कर रहा था। तो गाइस ये जितना भी एरिया आप देख रहे हो ये सारा रेती मोहल्ला लगता है। और गाइस इस एरिया को एक ख़ास नाम से भी जाना जाता है, इस एरिया को बदमाशों का एरिया भी कहा जाता है, क्योंकि गाइस यहां पर ज़्यादातर बदमाश लोग ही रहते हैं, इसलिए इस एरिया को बदमाशों का एरिया भी कहा जाता है। और गाइस आप देख सकते हो कि ये लता अल्ट्रासाउंड सेंटर है, इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है, तो मैं आपको अंदर ले जाकर नहीं दिखा सकता। जब आपका कोई काम हो तभी आप जा सकते हो, वैसे आप अंदर नहीं जा सकते हो, यहाँ अलाउ नहीं है। तो चलिए गाइज आपको फाइनल में एक और चीज़ भी दिखा देते हैं। सो गाइज यहाँ रेती चुंगी के पास एक मनोकरण मंदिर लगता है, तो चलिए आपको वही मैं आपको दिखा देता हूँ। और साथ ही साथ उस मनोकरण मंदिर के अंदर मनोकरण जूनियर हाई स्कूल भी बना हुआ है जो क्लास 8 तक है। तो चलिए फिर चलकर देखते हैं कैसे दिखता है वो। और गाइज ये जो एरिया आप देख रहे हो ये एरिया रेती चुंगी लगता है। सो गाइज इस एरिया की वीडियो मैंने बना चुका हूँ,
और मैंने अपने चैनल पे अपलोड भी कर दिया है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर उसे देख लेना। उस वीडियो में मैंने हनुमान धाम भी दिखाया है और इस रेत चुंगी के बारे में बहुत कुछ बताया है, तो डिस्क्रिप्शन जाकर एक बार ज़रूर चेक करना और वीडियो को ज़रूर देखना। तो फिर गाइस फाइनली हम लोग मनोगढ़ मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, तो चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ, बस आगे ही आने वाला है, तो चलिए फिर देखते हैं चल के। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली हम लोग बाबा मनोगढ़ मंदिर पहुँच चुके हैं, तो फिर चलिए आपको अंदर चल के दिखाते हैं ये कैसे दिखता है। तो चलिए आप अंदर चलते हैं। और गाइस अभी मैंने जिस स्कूल की बात करी थी, सो गाइस यही वो स्कूल है मनोगढ़ जूनियर हाई स्कूल, और जिस मंदिर की मैं बात कर रहा था यही वो मंदिर है। तो आप इसे देख सकते हो और कमेंट में बता सकते हो कि ये आपको कैसा लगा। तो गाइस आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कब करोगे सब्सक्राइब, सब्सक्राइब भी कर लेना। और साथ ही साथ इस वीडियो को सभी फ्रेंड के पास शेयर भी कर देना। अगर आप शाहजहाँपुर से हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।